हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ गर्वित खंडेलवाल एंड आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर मैकेनिकल इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट कोड है ME206। सब्जेक्ट नेम इज़ बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। हम लोग जो भी हमारा सिलेबस कवर करेंगे BTER सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एक ऑटोमोबाइल होता क्या है। तो ऑटोमोबाइल कैन बी डिफाइंड एज अ सेल्फ प्रोपेल्ड पैसेंजर व्हीकल यूज फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट एंड जनरली हैज़ 4 to 8 टायर्स। ऑटोमोबाइल एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल होता है जो अपने आप से चले, जो कि एक लैंड ट्रांसपोर्ट है, सरफेस ट्रांसपोर्ट है जो कि एक ज़मीन पर चलता है। और जनरली कितने टायर होते हैं? 4 to 8 टायर होते हैं जनरली। एंड इट इज़ पावर्ड बाय एन IC इंजन और एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो या तो उसका जो ड्राइविंग मैकेनिज्म होगा, या तो उसको हम लोग किसी फ्यूल से चलाएंगे, या फिर बैटरी ऑपरेटेड होगा। तो इस टाइप से एक ऑटोमोबाइल को डिफ़ाइन किया गया है। और ऑटोमोबाइल जो होते हैं उनको आर यूज फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट। जो भी हमारा हम जितने भी पैसेंजर्स होते हैं, जो भी पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको एक से स्थान से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए। एंड पैरेलली गुड्स के ट्रांसपोर्ट, जितना भी माल होता है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम ऑटोमोबाइल्स का यूज़ लेते हैं। एंड हैंस परफॉर्मिंग एज अ लाइफ लाइन टू ह्यूमंस, जिससे कि ह्यूमन बींग का जो काम होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड इट इज़ डिस्क्राइब एज ए लाइफ लाइन, जो कि हमारी एक लाइफ लाइन है। आज यदि ऑटोमोबाइल नहीं हो तो वी कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज यदि हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है तो वी नीड टू यूज़ ऑटोमोबाइल। अदरवाइज़ क्या होगा, लंबी डिस्टेंस कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि पहले के ज़माने में होता था। सो नेक्स्ट स्लाइड इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो जो ऑटोमोबाइल अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, मतलब किस किस तरीके से हम लोग ऑटोमोबाइल को डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल इज़ क्लासिफाइड ऑन बेस्ड ऑन दी पर्पस। तो पर्पस है वो क्या है, कि पैसेंजर व्हीकल है कि गुड्स व्हीकल है। जैसे ट्रेन होती है, एक पैसेंजर ट्रेन होती है और एक गुड्स ट्रेन होती है, इसको हम लोग मालगाड़ी भी बोलते हैं। तो उस टाइप से पर्पस क्या है, पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है तो पैसेंजर व्हीकल यूज़ आएगा। एंड गुड्स, किसी फैक्ट्री से कोई रॉ मटेरियल या किसी फैक्ट्री से कोई फिनिश गुड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है तो उसमें गुड्स व्हीकल का यूज़ आएगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन दी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के बेस पे भी ऑटोमोबाइल्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासिफिकेशन है वो है हैवी मोटर व्हीकल, इसको हम HMV बोलेंगे। सेकंड इज़ मीडियम मोटर व्हीकल एंड थर्ड इज़ लाइट मोटर व्हीकल। जितने भी बड़े बड़े ट्रक होते हैं या बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं वो हैवी मोटर व्हीकल में आती हैं, और जितने भी छोटे व्हीकल होते हैं जैसे कि कार हो गया, बाइक हो गई, ये लाइट मोटर व्हीकल में आएंगे। और जो मीडियम रेंज रहेगी दोनों के बीच में वो मीडियम मोटर व्हीकल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल में बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड। तो आज जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी गाड़ियाँ रोड पर चलती हैं उसमें किस टाइप का फ्यूल यूज़ हो रहा है, उस तरीके से भी हम ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक पेट्रोल की ऑटोमोबाइल पेट्रोल इंजन गाड़ी है कि डीजल इंजन गाड़ी है। तो पेट्रोल से जो चलेंगी वो पेट्रोल इंजन व्हीकल्स हैं, डीजल से जो चलेंगे वो डीजल इंजन व्हीकल हैं। कुछ CNG ऑपरेटेड व्हीकल्स भी आते हैं जिसमें हम लोग कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस फिल करवाते हैं, तो वो गैस ऑपरेटेड व्हीकल हो गए हैं। आजकल आप सुन रहे हैं कि नई नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं जिसमें बैटरी से जो चल रही हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर्ड व्हीकल हो गए हैं। पहले के ज़माने में जो ट्रेन्स वगैरह चलती थी वो स्टीम इंजन से चलती थी, तो वो स्टीम ऑपरेटेड व्हीकल हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स भी आ रहे हैं जिसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि पेट्रोल इंजन भी है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी है, और हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आ रहे हैं। तो इस टाइप से किस टाइप का फ्यूल हम लोग यूज़ ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन हम डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन दी ट्रांसमिशन। अब ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल जब चल रहा है तो उसमें किस टाइप का ट्रांसमिशन सिस्टम है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल का मतलब जिसमें गाड़ी में मैनुअल इंटरवेंशन वो कम से कम हो,
तो ये ऑटोमेटिक टाइम ट्रांसमिशन व्हीकल होगा, जिसमें आप उसको वैसे भी सोच सकते हैं जो एक्टिवा आती है जिसमें कोई क्लच नहीं होता है, तो वो ऑटोमेटिक रहता है। मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल जिसमें हमें गियर्स को चेंज करने के लिए मैनुअल उसका व्हीकल का यूज़ करना, मैनुअल जो भी इंटरवेंशंस हैं, एक जो भी चला रहा है ड्राइवर है उसको ऑलवेज कंट्रोल करना पड़ेगा। और सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल जिसमें कि कुछ पार्ट ऑटोमेटिक रहते हैं और कुछ पार्ट मैनुअल रहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्हील्स हैं। ऑटोमोबाइल को इस तरीके से भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक ऑटोमोबाइल में कितने पहिए हैं, व्हील्स हैं, लाइक टू व्हीलर है कि थ्री व्हीलर है कि फोर व्हीलर है कि सिक्स व्हीलर है, या फिर 15, 18, 20, 20 व्हील तक के ट्रक्स आते हैं जो कि हैवी ड्यूटी ट्रक्स होते हैं, जिसमें कि या तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट होती है या बड़े बड़े कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उस टाइप के ऑटोमोबाइल्स भी होती है। तो इस टाइप से भी हम ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन दी ड्राइविंग साइड। अब एक ऑटोमोबाइल चल रही है, उसका लेफ्ट हैंड ड्राइव है कि राइट हैंड ड्राइव है, उसका मतलब है लेफ्ट हैंड ड्राइव का मतलब कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग सिस्टम वो लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। यदि गाड़ी का स्टीयरिंग सिस्टम लेफ्ट साइड में है तो वो हो गया लेफ्ट हैंड ड्राइव ऑटोमोबाइल, यदि गाड़ी का सिस्टम राइट साइड में है तो वो है राइट हैंड ड्राइव ऑटोमोबाइल। जो इंडियन सिनेरियो में यदि हम बात करें तो जो हमारा जो ड्राइव सिस्टम होता है वो राइट हैंड साइड होता है, जबकि यूरोपियन या हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव सिस्टम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें कि जिस टाइप से हम लोग ऑटोमोबाइल को बांट सकते हैं वो है बेस्ड ऑन ड्राइव अवेलेबिलिटी। जब हम एक इंजन से ड्राइव का मतलब है इंजन से उसके टायर्स पे जब हम पावर लाते हैं तो क्या सारे टायर्स में पावर आ रही है या कुछ ही टायर में पावर आ रही है। जैसे कि हमारे जो ऑटोमोबाइल होते हैं वो टू व्हील ड्राइव होते हैं, फोर व्हील ड्राइव होते हैं, जितने भी व्हील हैं उसमें सब में ड्राइव आ रहा है, तो इस टाइप से भी हम ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि जनरली जो कार होती है वो टू व्हील ड्राइव होती है, कुछ हैवी कार्स फोर व्हील ड्राइव भी होती हैं, तो इस टाइप से कितने व्हील्स में वो पावर आ रही है जो कि उस ऑटोमोबाइल को पुश कर रही है, आगे चला रही है, इस टाइप से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो आई होप ये जो भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात की है आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑटोमोबाइल को देखा, ऑटोमोबाइल क्या होता है। ऑटोमोबाइल वो होता है जिसके जो एक लैंड ट्रांसपोर्ट में यूज़ आता है और जो कि पैसेंजर और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ आता है। नेक्स्ट है हम लोगों ने देखा कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो हम लोगों ने पर्पस देखा, क्या पर्पस है ट्रांसपोर्टेशन का, क्या कैपेसिटी है, फ्यूल कौन सा यूज़ आ रहा है उसको भी इससे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम कैसा है, नंबर ऑफ़ व्हील कितने हैं, ड्राइविंग साइड कितनी है, ड्राइव अवेलेबिलिटी क्या है, तो इस टाइप से हम इस चीज़ को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।